हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आ गई है जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बी, बीटेक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेस लगभग इसमें कवर की गई हैं और ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी इसमें एलिजिबल हैं। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक टेक्निकल चैनल है जहाँ से आपको आईटीआई, डिप्लोमा, बी, बीटेक की सारी वैकेंसीज की अपडेट मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है बैंक नोट प्रेस देवास में। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी आई है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL की है, एक मिनी रत्ना कैटेगरी की है। और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ, होली ऑन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑन की जाती है। गवर्नमेंट जॉब आपको ये मिल रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सुपरवाइजर की पोस्ट प्रिंटिंग की, और यहाँ पे बेसिक पे भी दिया है, IDA दिया हुआ है। यहाँ पे IDA क्या होता है? इंडस्ट्रियल DA। IDA का मतलब होता है इंडस्ट्रियल DA। इंडस्ट्रियल DA जो होता है हर क्वार्टर पे चेंज होता है। तो हर 3 महीने पे DA जो है आपका चेंज होता है। 1 अप्रैल को DA चेंज होगा, अप्रैल में, जून, जुलाई को फिर DA चेंज होगा। DA क्या होता है? महंगाई भत्ता होता है जो कि बेसिक के साथ मिलता है। तो DA जो है हर 3 महीने पे यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। और इसकी वैकेंसी जो है 8 दी गई हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह से सुपरवाइजर कंट्रोल की पोस्ट है, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन इंक, फैक्ट्री अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन सब की पोस्ट है यहाँ पे। तो ये अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन सिविल इन्वायरमेंट की पोस्ट है। तो आगे भी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसमें मांगी गई हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 जुलाई 2023 से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 21 अगस्त 2023 तक चलेगा। क्लोजिंग डेट दे दिया गया है 21 अगस्त, और इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो है अक्टूबर 2023। बहुत ही कम समय बचेगा आपके पास। सुपरवाइजर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक। तो आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए या तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हो या फिर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर पॉलिटेक्निक से हो। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हायर क्वालिफिकेशन BE/BTECH इन द रिलेवेंट ट्रेड विल आल्सो बी कंसीडर्ड। तो BE/BTECH अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर कंट्रोल की पोस्ट के लिए भी फर्स्ट टाइम फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है। प्रिंटिंग में मांगा गया, मैकेनिकल में मांगा गया, इलेक्ट्रिकल में मांगा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में भी है। तो अगर इसमें से कोई भी डिप्लोमा आपके पास है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा नहीं है तो BTECH है, तो BTECH वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। और सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पोस्ट है इसमें भी फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है। ये कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मांगा गया है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो BE/BTECH वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ मांगा गया है। कंप्यूटर की नॉलेज इसमें ज़रूरी है। इंग्लिश 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इसमें ज़रूरत है। और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे ITI मांगी गई है। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NCVT, SCVT का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कई तरह के ITI सर्टिफिकेट हैं, मशीन माइंडर का, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, फुल टाइम ITI होना चाहिए आपके पास। अगर ITI नहीं है तो आप डिप्लोमा भी इसमें लगा सकते हैं। अगली पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की है, इसमें भी बहुत सारे ITI मांगा गया है। ITI नहीं है तो फुल टाइम डिप्लोमा आप यूज कर सकते हैं।
फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी वैकेंसीज हैं, जूनियर टेक्नीशियन इंक वाली थी जो वैकेंसी, इसमें भी कई ITIC के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी गई, जिस क्वालिफिकेशन में आप आते हैं उस क्वालिफिकेशन का अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे भी ITI मांगा गया है, ITI नहीं है तो डिप्लोमा मैकेनिकल में चलेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन है, आपके पास डिप्लोमा है तो अप्लाई कीजिए, और ITI है तो ITI से अप्लाई कीजिए। सिविल इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है और ITI मांगा गया है, तो दोनों ITI जो है वेल्डर ट्रेड में मांगा गया है और सिविल वेल्डर में जो है यहाँ पे पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा मांगा गया है। तो ये जो है ये तो क्वालिफिकेशन हो गई, बाकी अन्य जो इसमें इंफॉर्मेशन से कुछ और भी जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डेट हमने आपको बता ही दिया है, रिजर्वेशन आपका एज पर रूल होगा। EWS के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि कौन कौन EWS में आता है उनको EWS के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, और एज जो है इसमें मिनिमम 18 ईयर्स एंड होनी चाहिए, और इसमें जो है 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और जो छूट मिलेगी आपको वो एज पर रूल यहाँ पर मिलेगी। आगे यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है 600 रुपये जो है अनरिजर्व OBC EWS के लिए, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 200 रुपीज़ यहाँ पे है। टेस्ट कैसा होगा आपका, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेटिव ट्रेड, जो ट्रेड आपका होगा 50 क्वेश्चन आएंगे 125 नंबर के। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी आएंगे 30-30 नंबर के। इसमें एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो 25 नंबर का होगा, तो सब मिला के 165 प्रश्न होंगे, 240 नंबर के होंगे, 120 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये पोस्ट वाइज दिया गया है, यहाँ पर सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए दिया गया है ये, और इसी तरह से यहाँ पर चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए चेंज किया है यहाँ पर, फिर यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी चेंज कर दिया गया है, तो थोड़ा चेंज किया गया, सब्जेक्ट यही सारे पूछे जा रहे हैं, बस उनके जो क्राइटेरिया है उसी को चेंज किया गया है, जो उनका वेटेज है एग्जाम में उसको चेंज किया गया है यहाँ पे। एग्जामिनेशन सेंटर भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, हैदराबाद में है, पटना में है, दिल्ली NCR में है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा में है, बेंगलुरु में है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR यानी कि नागपुर, पुणे और जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, ये सारी जगहों पे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर इसमें से चूज़ करके जो है अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। आगे देखते हैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको बता देते हैं इसमें, इस नोटिफिकेशन में। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ हम इसको डाल देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप में से आप इसको ले सकते हैं, और जो अप्लाई फॉर्म अप्लाई का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा स्क्रॉल कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा आपको इसका अप्लाई लिंक, वहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।